फ्रेंड्स हमारी ट्रेन जो है इस वक्त रानीपुर स्टेशन पे रुक गई है, और रानीपुर जो है उसके हवाले से एक कहानी मशहूर है जो कि हमें एहतशाम भाई बताएंगे। एहतशाम भाई, क्या है रानीपुर के हवाले से? फ्रेंड्स कैसे हैं? रानीपुर रियासत एक हिंदुस्तान के एक राजा थे, राजा कमेश कुमार। उनकी 6 बीवियाँ थीं जो मुख्तलिफ मुल्कों से थीं, जिनमें से एक हमारी भी मुल्क की थी। उनका नाम था रानी मंदरा। बेसिकली वो मुसलमान थी, लेकिन जब शादी के बाद उनका मज़हब चेंज हुआ, जैसे हमारे यहाँ पे होता है मर्द के मज़हब से, तो उनका नाम मंदरा बन गया था। पहले उनका नाम था ज़ुबैदा, तो उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया था, तो उन्होंने मंदरा नाम कर दिया था। वो यहाँ की सब इलाकों की मालकिन थी। तो फिर जब उनका देहांत होने लगा या वफात होने लगी, तो उन्होंने ये नाम ये जगह हमारे सिंधी मुअज़्ज़िज़ीन के नाम कर दी थी, पाकिस्तान के नाम कर दी थी, कि ये जगह आज से पाकिस्तान के नाम है। उनको ये जगह ख़रीदने में जितनी अमाउंट दरकार थी या जितना पैसा दरकार था, वो वहाँ के राजा कमेश कुमार जी ने दिया। चलें ये फ्रेंड, वो है रानीपुर रियासत जिसके बारे में सुना जाता है, यहाँ की मशहूर रियासत है। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। यहाँ की सबसे मशहूर जो खाने की चीज़ है, वो आपको पेड़े मिलेंगे, मीठे पेड़े होते हैं, बेसन के बने होते हैं, सौंफ डले होते हैं उसके अंदर। आप एक बार ज़रूर इधर विजिट कीजिएगा और खाइएगा, आपको यकीनन पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, रानीपुर से हमारी गाड़ी निकल रही है और मैं आपको जो है रानीपुर के थोड़े से नज़ारे करवा दूँ, तो आप रानीपुर के नज़ारे करें थोड़े से। ठीक है, ये है रानीपुर, ये देखिए आप लिखा हुआ है रानीपुर, और मैं आपको दिखाता हूँ रानीपुर के थोड़े से नज़ारे। फ्रेंड्स, हम रानीपुर से निकल रहे हैं और हमारी ट्रेन जो है वो स्पीड पकड़ रही है, और अब मैं ऊपर आ गया हूँ और आपको रानीपुर के नज़ारे करवा रहा हूँ। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, ये रानीपुर है, और ये रानीपुर में किस तरह का इन्वायरमेंट है आप सब ये देख सकते हैं। और रानीपुर की हिस्ट्री आपको बताई है एहतशाम भाई ने, और काफ़ी यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेस है ये रानीपुर, और एहतशाम भाई के यहाँ रिलेटिव रहते हैं, तो एहतशाम भाई ने हमें रानीपुर के बारे में बताया। जो गुड़ है वो यहाँ से बन के जाता है पूरे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में गुड़ जो है वो रानीपुर से बन के जाता है, रानीपुर में सप्लाई है गुड़ की। यहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्रीज लगी हुई है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरे पाकिस्तान में यहाँ से जाती हैं, इवन कि कराची में भी यहाँ से वो चीज़ें जाती हैं। बाहर के मुल्कों का मैं नहीं कह सकता, मुझे नॉलेज नहीं है, मैं गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन कराची और बाकी पाकिस्तान, दूर पाकिस्तान, ये चीज़ें जो हैं जो मैंने बताई, और भी बहुत सी चीज़ें यहाँ से जाती हैं। यहाँ की बहुत बहुत मशहूर बात है, जैसे हमारे बलूचिस्तान में सोने के पहाड़ हैं, यहाँ पे एक सोने का एक छोटा सा एक पहाड़ है जो नहायत खूबसूरत और नहायत उमदा है। यहाँ जाने के लिए भी आपको एलीट फोर्सेस से अथराइज होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज कोई आम बंदा वहाँ पे नहीं जा सकता। माशाल्लाह, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान की आवाम कैसी है, वहाँ पे जाती है पहाड़ों को काट के सोना लेगी, उसे अपने जेवरात बना लेगी, और इसलिए वहाँ पे हमारी एलीट फोर्सेस बनाई गई है। प्लस यहाँ पे आपको गैस और तेल के कुएं जो निकलने वाले थे वो भी मिल सकते हैं, अंदरूनी जमीन यहाँ पे अच्छी मिकदार तेल की गुजरती। और रानीपुर जो है बहुत खूबसूरत प्लेस है, बहुत हिस्टोरिकल है, और आप देख सकते हैं ये बगला उड़ रहा है, बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है बगले का। मैं आपको बगले का व्यू भी दिखा रहा हूँ, बगला उड़ता हुआ परिंदा ये नज़र आ रहा है आपको, देख सकते हैं आप मेरी वीडियो में, इतना खूबसूरत परिंदा है और मेरी वीडियो इसको कैप्चर कर रही है, बहुत अच्छा खूबसूरत व्यू आ रहा है इस परिंदे को, मैंने जो है सेव कर लिया है अपनी वीडियो के अंदर। और एक हवेली के हवाले से बता रहे हैं, यहाँ पे एक हवेली है जिसके कुएं में कहते हैं कि पुराने राजाओं के जेवरात और मुजस्मे पड़े हुए हैं, सोने से, चांदी से, हीरों से लदे हैं, इसीलिए हिस्टोरिकल प्लेस है ये। बैक साइड पर से भी है फ्रंट पे, ये पूरी एक सिटी है, पूरी एक रियासत है, और ये टोटल 937 मुरबा किलोमीटर पे ये एरिया है। क्या बात है, क्या बात है। तो बैक साइड पे आप थोड़े